समझ में नहीं आ रही बॉल कहाँ से आएगी कहाँ से घुसेगी। देखो लो लो गया, ये भी गया खत्म। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया 51। तो भाई लोग कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो भाई लोग, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि रोहित शर्मा ने क्या ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई अपनी टीम को और एक बेहतरीन शतक जड़ दिया, बेहतरीन। लेकिन उसकी अगली बॉल पर रोहित शर्मा आउट हो गए और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विराट कोहली और बाकी के बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को कितने आगे तक ले जाते हैं। तो देखते रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा भाई लोग। इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, खासकर लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है अब। चलो तो अब है विराट कोहली स्ट्राइक पर और भाई बेन स्टोक्स ने अभी अभी विकेट लिया है। चलो इस पे तो अपन हुक मारेंगे बेहतरीन सा। चलो बेहतरीन हुक, यहाँ 2 रन अपन आसानी से ले सकते हैं। अरे भाई 2 रन, अरे यार दौड़ तो गया, देखते हैं रिस्क है अभी। और ये आउट, भाई मुझे लगता है ये आउट है, आउट है, आउट है, आउट। ओ भाई टर्निंग पॉइंट, विराट कोहली रन आउट। रोहित शर्मा के तुरंत बाद विराट कोहली रन आउट हो गए 15 रन बनाकर। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो भाई, शॉकिंग मोमेंट। ओ भाई ये तो मतलब बहुत बुरा हुआ। अरे भाई वो वन बाउंस जा रही थी बॉल, मुझे लगा शायद 2 रन आसानी से मिल जाएंगे, मैं तो दौड़ गया यार। ओ भाई बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर मैंने, और इसी के साथ विराट कोहली का भी विकेट गिरता हुआ भाई, लगातार दूसरा विकेट। देखना होगा किस तरीके से आउट हुए भाई, 2 मीटर से रह गया यार, 2 मीटर से रह गया। चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऋषभ रहाणे को बुलाते हैं, रहाणे को बुलाते हैं, देखते हैं रहाणे भाई अपन कितना अच्छा स्कोर तक पहुंचा पाते हैं। और डी बेस, इसका नाम मैंने सुना नहीं, आप में से किसी ने इसका नाम सुना हो तो ज़रूर बताइएगा। ऋषभ पंत है स्ट्राइक पर, और उस बॉलर के बारे में, ये स्पिनर के बारे में किसी ने सुना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो बढ़िया, यहाँ तो चली आएगी बॉल अपनी 4 रन के लिए। इन दोनों के बीच में गैप था जो कि अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ढूंढा, और ये बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चलो ऋषभ पंत का पहला चौका, अब ऋषभ पंत को लगाना होगा एक जोरदार शतक। क्या ऋषभ पंत लगा पाएंगे, देखने वाली बात होगी ये। चलो रहाणे है स्ट्राइक पर, इस पर तो कट गलेगा, दौड़ जाता हूँ, सिंगल 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 मिल जाएगा हम। अबे यार थ्रो मार दिया, ओ भाई फिर से थ्रो मार दिया, फिर से आउट, रन आउट। ओ भाई भाई कितने रन आउट हो गए यार, अभी तक 3 रन आउट हो चुके हैं, ऋषभ पंत रन आउट। ओ भाई क्या ही हो रहा है मैच में, भाई क्या ही हो रहा है, ओ भाई क्या ही हो रहा है मैच में, भाई क्या ही हो रहा है यार, बहुत 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 बुरा। एक और रन आउट होता हुआ इंडिया का, इसी के साथ आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ऋषभ पंत आउट होते हुए। अब जडेजा को बुलाते हैं अपन बल्लेबाजी करने के लिए, देखते हैं जडेजा स्कोर को कहां तक ले जा पाते हैं। चलो डी बेल्स भाई, चलो यहां पर सिंगल मिल जाएगा अपन को, चलो जैसे तैसे सिंगल मिला, टीम का स्कोर 142 for 5। रहाणे फिर से स्ट्राइक पर, आगे बढ़ के, ओ भाई स्टंपिंग कर दी यार, हट, मुझे पहले ही लग रहा था कि इस पे आगे बढ़ के नहीं मार सकता, लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ट्राई करने का, और रहाणे भी आउट। भाई इंडिया अंडर प्रेशर, और इंग्लैंड की टीम को मिलती हुई बढ़त, क्योंकि इंग्लैंड ने इतनी जल्दी हमारे 5 विकेट गिरा दिए भाई, बहुत ही शॉकिंग मोमेंट है। चलो कोई बात नहीं, पिच भी थी धीरे धीरे पुरानी होगी, तो देखते हैं पिच क्या असर दिखाती है। अश्विन को बुलाते हैं, अब अश्विन और जडेजा दोनों मिलकर इस स्कोर को कहां तक ले जा पाते हैं। चलो जडेजा तो स्ट्राइक पे है, इस पे तो घल जाएगा। चलो ये लो, यहां पर ये 4 रन मिलेंगे आसानी से अपन के लिए, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल और जडेजा ने मारा एक बेहतरीन चौका भाई लोग, इसी बात पर लाइक बनता है। चलो अगली गेंद, अबे ये नहीं निकल पाई और ये आउट। ओ भाई इस बात पर डिसलाइक बनता है, क्योंकि भाई अगली बॉल यार वो मुझे लगा वो 30 यार्ड के ऊपर से निकल जाएगी, बट नहीं निकल पाई, बहुत ही दुख हो रहा है। जडेजा आउट हो चुके हैं, इसी के साथ टीम का स्कोर, भाई टीम का स्कोर देखने लायक है, क्या आप लोग देखना चाहेंगे, 146 for 7। चलो बुमराह, ओ भाई हवा में गेंद, बच गए वन बाउंस और ये रन आउट, एक और रन आउट भाई कितने रन आउट, इसी के साथ बुमराह भी रन आउट। आज तो लग रहा है भाई रन आउट का रिकॉर्ड बन जाएगा। चलो एक और रन आउट भाई, सोचा था कि जब रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी तो टीम का स्कोर इतना सा रह जाएगा। सिराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अश्विन है स्ट्राइक पर और ये बोल्ड, लो भाई बोल्ड बोल्ड, अश्विन भी गए, खत्म खेल खत्म।
फिनिश मैच फिनिश, अश्विन बोल्ड, अबे रॉन्ग लाइन में खेल दिया मैंने यार, मुझे लग रहा है मैं कोई नशीला पदार्थ खा के यार मैच खेल रहा हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रही बॉल कहाँ से आएगी कहाँ से घुसेगी, देखो लो लो गया, ये भी गया, खत्म खत्म खेल खत्म, नौवा विकेट आउट। अब चलो भाई 11वें नंबर पर नटराजन आते हैं, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी अगर अपन चाहें तो बहुत रन बन सकते हैं, अभी भी रन बन सकते हैं। सिराज है स्ट्राइक पर, पुल मिल जाएगा यहाँ, पुल घल जाएगा यहाँ पर, दो रन आसानी से मिलेंगे, टीम का स्कोर होता हुआ 148 for 9 और यहाँ पर दो रन आसानी से मिले सिराज को। चलो भाई क्या होता है इसमें, बेन स्टोक्स की अगली गेंद कट मारेंगे इस पर, ओ भाई आउटसाइड एज बट कीपर के ऊपर से निकल गई और चार रन के लिए, जैसे भी आए रन आना चाहिए, और ये बेहतरीन चौका, 152 रन हो चुके हैं टीम का स्कोर। चलो भाई नटराजन कुछ कमाल दिखाओ, डिफेंस यहाँ पर दौड़ जाता हूँ एक रन, अब थ्रो नहीं अबे फिर थ्रो मार दिया बे, अबे फिर थ्रो मार दिया, और ये एक और विकेट, टीम ऑल आउट, ओ भाई 152 को ऑल आउट, कभी सोचा था जब रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी तो 152 पे टीम ऑल आउट हो जाएगी, इम्पॉसिबल। भाई क्या ही मैच चल रहा है यार। चलो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, अगली पारी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे पता है अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करिए, बट जो भी करना है करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।